नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरणा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। तो आज मैं बात करूंगी केवीएस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो ससुराल में हैं, जो मदर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, कैसे क्या करूं, है ना। तो करना क्या है ना, अपने को प्रिपरेशन तो चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो सब कुछ मैनेज्ड वे में शुरू करना पड़ेगा, है ना। अपना कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले तो हाई रखना है भाई। मेरा तो होना ही होना है, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें ये सोचना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिए? ओनली वन सीट। बात भी फैक्ट भी है ना, सिर्फ चाहिए तो हमें एक ही सीट, ठीक है। तो तैयारियां अपना हाई रखना है। हमें पता है कि हमारा कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, किस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, है ना। तो ये सब कुछ हमें खुद करना है, और सुबह शाम रात जब भी वक्त मिले एक रूटीन बना लीजिए कि इस वक्त में मुझे इस पोर्शन को इतना तो आज कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। और जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों की बात है, परेशानियाँ आएंगी। हमारे भी दो दो बच्चे हैं, दोनों परेशान करते हैं, लेकिन उसी बीच हमें हमारा वक्त को मैनेज करना है। और ये हमारा, इवन मैं तो कहूँगी कि लेडीज़ का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जब हमें कुछ करना होता है ना, जब हम कुछ ठान लेते हैं कि करके रहेंगे ना, तो हम इन जिम्मेदारियों में वक्त निकाल ही लेते हैं, है ना। तो पहले तो अपना कमज़ोर पोर्शन को पकड़िए कि इसमें हमें मेहनत करनी है। डेली करेंट अफेयर्स न्यूज़ देखने का भी एक हैबिट क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी पॉजिटिविटी लाएगी। और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें क्या, किस पोर्शन में करना है? एक तो हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स का रहना ही रहना है ना, तो वो तो हमारा अच्छा करना ही है। उस पर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह भी डाला है मेरे चैनल्स पे, जिस पर मैंने अभी शुरुआत ही की है स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड। एक बार आप चेक कर लीजिए। ईच एंड एवरी एक एक लेटर से शुरू कर रही हूँ, है ना, ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एंड उसके मीनिंग्स को डिस्कशन किया है मैंने, है ना। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ये वीडियोस आते ही रहेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी खुशी हुई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 साल के बाद वैकेंसी आई है भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब आएगी क्या पता, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। आइए आपको मिलवाती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से, जो कि बहुत शैतानियां करते हैं। आ जाओ बच्चों। अभिज्ञान नाम है मेरे बेटे का, और आराध्या नाम है मेरी बेटी का। आ गई छुटकी और आ गया मेरा अभिज्ञान, और दोनों हैं बहुत शैतान, लेकिन हमें इन्हीं के साथ इनको स्कूल भेज कर करके उसमें वक्त निकाल कर करके हमें तैयारियां करनी है, ओके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को कुछ बोलना है मम्मा का चैनल Like, subscribe and share. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye.